कि आपके गुरु एक शिष्य आया था, उसने कहा था कि मैं गुरु आपको बनाना चाहता हूँ और शिष्यत्व ग्रहण करना चाहता हूँ। तब आपने उस वीडियो में उस शिष्य को ये कहा था कि मैं शिष्य नहीं बनाता, मैं सबको गुरु बनाना चाहता हूँ। मैं इस दृष्टांत में दोबारा से प्रकाश चाहता हूँ। ये दृष्टांत तो दुनिया में सबसे आसान दृष्टांत है। मेरे यहाँ आने वाले लोग जो 20-30 बार आ चुके हैं, उनसे कोई बाहर जाके इन्हीं चीज़ों के बारे में पूछे, वे इतनी सरलता से आंसर देंगे और वे इस सब्जेक्ट के गुरु बन चुके हैं। मुझे सुनते हैं रोजाना, मेरे पास रहे हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारी लड़कियाँ भी बता देंगी, नहीं भाई ऐसे नहीं कटेगा, धक्के खा ले तू, ठीक है ना। तो जो यहाँ से गए वे बीमार हैं सिटीज, उनमें से बहुत सारे लोग मर भी गए जो ये सोच के गए हम कहीं जल्दी ठीक हो लें। तो ये बात तो, ये उदाहरण तो हमारे यहाँ के बच्चे भी दे देंगे। दरअसल होता है ऐसा है, जो गुरु चेले बनाता है उसकी चेलों की संपत्ति पे नज़र होती है। अरे फलाने ने 2 प्लाट ले लिए, अब 2 प्लाट का मतलब, अभी एक हमारे पास आते हैं शाम को रोजाना, उनके गुरु ने उनसे 40 लाख रुपए मांग रखे हैं और वो दे के देने जा रहे हैं। अपनी कोई संपत्ति बिकी है उनकी तो उसमें से वो 40 लाख देने जा रहे हैं, उसके बच्चों का तो घटा ना। ऐसा गुरु जो जबरदस्ती मांगता है, आपसे पैर दबवाता है, आपके घर के संसाधन मांगता है, ठीक है ना। आपका होता क्या है कि बेहतरी ये होती है कि आपके पास है, आपके पास देने की क्षमता है, आप दीजिए, मना कोई नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी गुरु की शरण में पहुंच गए, वो कभी कह रहा भाई यहाँ एक कमरा बनाना है, यहाँ एक मंदिर बनवाना है, कौन अरदास लिखेगा, उसके बाप का नाम लिखा जाएगा, उसकी माँ का नाम लिखा जाएगा, इसमें इतना पुण्य है, इससे ये होगा, भगवान ने दर्शन दिए, वो ये कहेगा, इसका ये कर दूंगा, उसका वो कर दूंगा, ये सब व्यर्थ की बात है, नहीं समझे। ब्रह्मा जी ने ये बता दिया, उसने ये बता दिया, नए नए उदाहरण ढूंढ के लेके आना, ठीक है। एक्चुअली में गुरु वो है जो दूसरों को गुरु बनाए। गुरु का मतलब क्या है कि वो दूसरा आपसे इतनी शिक्षा ले सके कि आप समाज में दूसरे अन्यों से बेहतर हो जाए, यही गुरुत्व है। ये तो गुरुत्व नहीं है कि आप कितना पैसा लेके गुरु के पास आए थे और फिर जब गए गुरु के पास से तो आप खाली हाथ चले गए, यानी कि आपके ही पैसे सारे खत्म हो गए। जैसे हमारे पास लवेश आता है, वो कहता है कि मैं 6 साल एक महाराज जी के पास गया, उसका घटता तो सब कुछ गया, बढ़ा कुछ भी नहीं, तो ऐसे गुरु बना के फायदा क्या होगा, नहीं समझे। गुरु शिष्य पद्धति, हाँ। और वो एक बहन जी ने को हनुमान जी का गुरु था लक्ष्मणगढ़ में, ठीक है, वो भूत प्रेत भी निकाले है, दरबार भी सजावे है, लगावे है, ठीक है। पहले तो वो दोनों पति पत्नी हलवा बढ़ा के ले जाते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, फिर गुरु जी ने उसको छेड़ दिया एक दिन, ठीक है। तो उसने कहा गुरु जी आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं तो आपकी बेटी के समान हूँ। उसने कहा अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है, तेरी परीक्षा ले रहा था, चलो ठीक है, हो गई परीक्षा। अब उसकी दोनों लड़कियां जवान हो गई, अब गुरुजी ने एक दिन उससे उनको मांग लिया कि इन दोनों को मेरे हवाले कर दे वरना इनको बीमार कर दूंगा, और वाकई में वो बीमार हो गई और वाकई में उन पर प्रेत चढ़ गए। फिर उसने जाके गुरुजी को भरी सभा में पीट दिया, नहीं समझे। तो गुरु तो यहाँ तो गुरु घंटाल बहुत है ना संसार में, ये भारत ऐसे ऐसे हीरो से, ऐसी ऐसी नागमणियों से भरा पड़ा, नहीं भरा पड़ा। तो यहाँ कोई बैठा है 20 दिन, उसने कोई सबक लिया है, वो 20 दिन में यहाँ भूत के बारे में, प्रेत के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बता देगा और आपको वो जानकारी दे देगा कि नहीं आप जैसा समझ रहे हो प्रेत वैसा नहीं है, ये कोई आकार धारण नहीं किया हुआ इसने, ये उसी बिंदी के समान है, बस काला है, और जो ऊर्जा सफ़ेद है वो तो है, वो आती है आपके। आजकल कैमरों में भी कैद हो रही है वो, आप देख लेते रात को ही देख लो, कल रात को उस वाले कोने में थी, क्योंकि वहाँ लाइट राइट में दिखाई दे रही है, बकायदा खूब लाइट में दिखाई दे रही है, देख लो जाके रात का कैमरा चेक कर लो इस वाले कोने। तुम और सारी जगह चेक करते हो, पहले वहाँ देखिए, क्योंकि ये ऊर्जाएं हैं, ये अच्छी जगह तो रह सकती हैं, बुरी जगह नहीं रह सकती। तो पहले जब उसमें बैठ के 500 गज में साधना किया करते थे, कौन कौन था यहाँ, आप थे, उसके परली तरफ घास उगी हुई थी, वहाँ पे कोई गंद का या थोड़ा बहुत भी मलिन पानी नहीं जाता था, उस टाइम में उस कोने पे रोजाना वो दिखाई देती थी पॉजिटिविटी, अब तो नहीं दिखाई देती वहाँ, क्यों, क्योंकि वहाँ जो है वहाँ हमने वैसा पानी छोड़ा हुआ है जो यहाँ से जाता है, अब दिखाई देती है। फिर मैं रोज कैमरे चेक करता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें आती है रात को, इसमें कोई सोता नहीं, एकांत का सेवन करती है, उनमें स्थिरता होती ही नहीं है, ऐसे प्रेत में भी स्थिरता नहीं होती है, वो अस्थिर ही होता है। तो जैसे ये ऊर्जाएं यूँ घूमती रहती है 24 घंटे यूँ 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 यूँ, ऐसे वो भी घूमती रहती है। तो जब वो शरीर में घुस गई तो शरीर में भी तो घूम रही है, और जब शरीर में घूम रही है तो एक बार सर में आई तो ऐसे गया सर, फिर आगे आई तो ऐसे आया, फिर दाहिने आई तो ऐसे आया,
फिर बाएं आई तो ऐसे आया, फिर कमर में गई तो ऐसे हुआ, पैरों में आई तो ऐसे हुआ। तो बोले क्या? बोले इसमें भाई प्रेत आ गया। बात तो ठीक है, प्रेत आ गया, लेकिन प्रेत किस तरह से आया, उसकी ऊर्जा क्या है, कैसे समाया वो, क्या उसने कोई आकार धारण कर रखा? नहीं, अभी कोई आकार नहीं है। आप भी एक ऊर्जा है, आपने आकार धारण कर लिया है, ठीक है, क्योंकि आप मानव रूप में आ गए, लेकिन उस ऊर्जा ने अभी कोई आकार धारण नहीं किया, लेकिन उसने पीछे मानव रूप छोड़ा है, इसलिए वो जो मानव का स्वरूप है उसको अच्छे से ग्रहण कर सकती है। तो कुछ सालों में वो ग्रहण कर लेती है, फिर क्या होता है, आपका मन उसका मन, आपकी बुद्धि उसकी बुद्धि, उसके विचार से उठ रहे हैं, उसके विचार से चल रहे हैं, उसके विचार से टहल रहे हैं, और उसी के विचार से खा रहे और पी रहे हैं। वो कहे नहीं खाना है तो खा नहीं रहे, 10-10 दिन तक बिगड़ कुछ नहीं रह सके। वो कहे मैंने इसको मारना है तो शरीर को गला देता है, बीमारियां बना देता है, डॉक्टर ढूंढता रह जाता है कि इस औरत का सर का दर्द क्यों नहीं जा रहा। 20 साल दवाई देगा, 40 साल दवाई देगा, पहले उसको बताएगा सर्वाइकल है, फिर उसको बताएगा माइग्रेन है, फिर उसको बताएगा डिप्रेशन है, फिर उसको बताएगा सिज़ोफ्रेनिया है। अरे भाई तू कोई एक तो ठीक कर दे, बता तो तूने सब कुछ दिया, किसी एक को ठीक कर दे। एक जब से एलोपैथी चिकित्सा आई है ये भाई गठिया बाय है, एक मरीज ठीक हुआ नहीं, एक भी केस है, एक भी उदाहरण है नहीं, एक भी उदाहरण ऐसा हो कि दर्द में आराम पड़े नहीं, और उल्टा दर्द बढ़ते जाते हैं। ये कौन सी चिकित्सा है भाई जिसमें आप दवाइयां ले रहे हैं और आपकी बीमारियां बढ़ती जा रही है? बताइए कि आपका कोई भी बीमारी है वो बढ़ रही है दवाइयां लेने के बाद, घट रही? कमाल हदीर, बोलिए आप क्या पूछ रहे थे। गुरुजी मैं पूछ रहा हूँ, गुरुजी गुरुजी प्राचीन काल में राजनीति धर्म का हिस्सा हुआ करता था, धर्म राजनीति को चलाते थे, लेकिन वर्तमान समय में राजनीति धर्म को चला रहा है, क्या गुरुजी मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ? वर्तमान समय में राजनीति धर्म को इसलिए चला रहा है कि भारत को बोला जाता है धर्म निरपेक्ष देश, जबकि भारत देश जो है वो धर्म सापेक्ष है। क्या है? धर्म सापेक्ष। धर्म सापेक्ष इसलिए है क्योंकि यहाँ सब धर्मों का समावेश है। धर्म निरपेक्ष का मतलब ये होता है जो धर्म के बिना हो, और उसको सेकुलर जो वर्ड दिया वो इंदिरा गांधी ने दिया, ठीक है ना, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन भारत तो धर्म सापेक्ष है, धर्म निरपेक्ष था ही नहीं, जब धर्म निरपेक्ष कह दिया तो फिर राजनीति ही धर्म को चलाएगी, फिर धर्म नहीं चलाएगा ना राजनीति को। और जब धर्म सापेक्ष कहा तब धर्म से राजनेता उत्पन्न हुए, और वो सब लोगों का कल्याण चाहने वाले हुए, वो वसुधैव कुटुंबकम वाले हुए, फिर तो इतने से अंतर को नहीं समझ पाते क्या? फिर तो जो धर्म निरपेक्ष है उसमें धर्म का समावेश नहीं है, और जो धर्म सापेक्ष है उसमें धर्म ही धर्म है। तो जो धर्म ही धर्म है जिसमें, वो तो धर्म सापेक्ष है, और धर्म निरपेक्ष वो है जो धर्म के बिना रहे, जो धर्म के रहित हो, ठीक है। तो भारत को धर्म निरपेक्ष घोषित कर दिया गया है जबकि ये धर्म सापेक्ष देश है, तो इसलिए राजनेताओं ने अपनी मनमानी की है, अपने मनमाने ढंग से भारत को चलाया है, तब धर्म तो इसमें रहा ही नहीं ना जी। आगे ना समझ में जी। आप अगर आप इंदिरा गांधी को बहुत धर्मी समझ रहे हैं तो आपकी धारणा गलत हो सकती है भाई, जो धर्मी होगा वो तो धर्म के साथ देश को चलाएगा, तो उसने तो धर्म निरपेक्ष शब्द दिया है लोगों को, ठीक है, उसने तो कहा है भारत सेकुलर है, ठीक है, पिता के साथ मिल गए। तो मैं तो एक मैं राजनेता नहीं हूँ ना, मैं किसी की बुराई कर रहा, उसको समय पे जो लगा देश जैसे चलाना चाहा वैसे चला लिया, उसके हाथ में सत्ता थी, मेरे हाथ में सत्ता होगी तो भाई मेरा तो पहला कानून घुसखैरी को खत्म करना होगा, एक ही दिन में सब सच्चाई के रास्ते पे आ जाओ ना तो मारे जाओ। देखो भाई अपनी व्यवस्था एक है, चाहे नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, नोटबंदी गलत की, करनी कैसे थी, 100 के और 50 के नोट और 10 के नोट मार्केट में बढ़ा देते, अभी किसी को बताते नहीं, एक साल तक इतने ला देते कुछ हद नहीं, फिर 1000 के 2000 के बंद कर देते, 2000 का तो मतलब ही नहीं था, तो अभी 2000 का नोट निकाल दिया, तो जिसके पास 500 की और 1000 की गड्डियां हैं वो बैंक में गया और वो एक बोरी नोट को केवल 2 गड्डी में कर लाया छोटे से बैग में, ठीक है ना। और अगर यही बैंक आपको 100 के और 10 के देने लग जाता और 50 के नोट देने लग जाता तो वो आदमी 1000 की और 500 की गड्डियां लेके गया, एक बोरी लेके गया, 50 बोरी उधर से लेके आया, सारे देश को पता चल गया इसके पास धन है और ये चोर है, नहीं समझे भाई? ये बात समझ में नहीं आती क्या? आती है कि नहीं? मुझे तो पता ही नहीं था नरेंद्र मोदी वोट नोट किसका बचवा रहे हैं, मेरे लिए सब राजनेता बराबर हैं, सब गलती करते हैं,
कोई दूध का धुला नहीं है, सब जमीन में धसे हुए हैं, सबके मुंह काले हैं, उजला कोई नहीं है। हाँ एक बात जरूर है कि कोई 10 स्कीम अच्छी कर सकता है, कोई देश के बारे में थोड़ा तो सोच सकता है, ये बस। मैं ये नहीं मानता, मैं तो राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि भारत की राजनीति जितनी भ्रष्ट है इतनी संसार में अन्य कहीं है ही नहीं, नहीं समझा। जो ये कहता है मैं कट्टर ईमानदार हूँ, उससे कट्टर बेईमान नहीं पाता फिर कोई ढूंढा हुआ, पता है आपको इस बात का? जी गुरु जी। फिर अरे वो तो एक सबूत देगा, मैं सामान्य आदमी हूँ, मैं ही 1000 सबूत दे दूंगा उसकी बेईमानी के, ठीक है। अरे भाई जो ईमानदार होगा वो नीचे भी तो ईमानदार लोगों को रखेगा, उसको पता नहीं है नीचे तूने बेईमानों को पैदा किया हुआ, उसको ये नहीं पता भाई रोजाना बोरी भर भर के नोट ले जाते हैं तेरे MLA, काहे का मुख्यमंत्री है तू, नहीं समझे भाई। अपनी है खरी बात, एक है खरी की सजा कुछ भी हो मंजूर है, नहीं समझे। सत्य बोलने वाले को सब मंजूर होता है, गांधी जी सत्य बोलते थे, जेल गए, आंदोलन गए, सारे काम किए, धक्के खाए, लास्ट में गोली खाई, ठीक है ना। लेकिन सत्य अच्छा होता है, ठीक है। यीशु मसीह ने सत्य ही तो बोला है भाई, सबके भूत निकाले, शैतान निकाले, और सबको ईश्वर से जोड़ा, सत्य ही तो बोला था। कीले ठोक दी गई, मार दिया गया, कौन पूछता है? महात्मा गांधी और यीशु मसीह दोनों पूछे जाते हैं कि नहीं, दोनों की मान्यता है कि नहीं? अपनी जेब से नोट निकालो, देखो गांधी जी छपे हुए हैं कि नहीं, बोलो। फिर तो बेईमान बनना क्यों, जब बेईमान का कोई अंश ही नहीं है, अक्स ही नहीं है, और उसकी सत्ता खत्म हो जाती है। फिर आपकी आपकी औलादे रावण को किस रूप में याद करती है और राम को किस रूप में याद करती है, समझे नहीं? हमें ये सब चीजें सोचनी पड़ेगी बड़ी गहराई से, तभी हम उभरते हैं। मेरे पास बहुत सारा युवा बैठा है, ठीक है, ये पढ़ा भी है, इसने इस समाज की स्थिति भी देखी है, इसने वो फीसें भी भरी हैं, ठीक है। अब आज एक आदमी 2 करोड़ रुपए लगा के अपने बेटे को MBBS बनाता है, तो वो ये कोशिश करता है 2000 करोड़ रुपया कमाए, और वही हो रहा है भारत में, नहीं समझे। वरना तो कल एक MBBS आया था, उसने सरकारी MBBS की है और उसका पैसा ना के बराबर खर्च हुआ है, उसकी माँ ने कह दी तू बेटा सेवा करियो मनु भैया की तरह, और तो नहीं करेंगे। तो कितने परसेंट? 5% ठीक है डॉक्टर, तो मैं ये नहीं कहता उन्नति नहीं की है, आँख के ऑपरेशन में, कान के में, नाक में, और बारीकी से बारीकी बहुत सारी चीज़ों में उन्नति की है, लेकिन प्रेत जो है, निगेटिविटी जो है, वो बहुत सारे लोगों के दिलों में घबराहट पैदा करता है, उनके BP को हाई लो करता है, आगे ना समझ में उनकी धड़कनों को बढ़ा देता है, जिसमें डॉक्टर इमरजेंसी में ले जाके हार्ट के ऑपरेशन तक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अब कर लो, क्या करोगे? बहुत कम उम्र में आपके बेटे का ऑपरेशन हो गया, था क्या उसको? बस यही था कि मनु भैया की आंखों में नहीं झांक सकता था, क्योंकि जैसे ही वो आंखों में झांकता उसका सांस और दम घुटने लगता, नहीं समझे, यानी कि उसको निगेटिविटी थी, और डॉक्टर ने उसका फायदा उठा लिया, थी चीज कोई और, इलाज कोई और कर दिया। अब तो इलाज सक्सेसफुल नहीं है, जितने भी लोग हैं जिनको घुटनों के दर्द निगेटिविटी से है, उसका इलाज डॉक्टर 4 बार घुटने बदल ले तो भी उसको दर्द ही, अरे तब उसका दर्द नहीं मिटेगा। तो फिर 10 लाख रुपए लगाने का लाभ क्या? फिर पहले 10 लगाए और ऐसे पैसे भी उसके चले गए। एलोपैथी की चिकित्सा दुनिया में सबसे महंगी है, ये बात समझ लो। इसलिए अपने घर पे रोजाना अपनी सब्जी में काली मिर्च यूज करो, हल्दी यूज करो, हल्दी और काली मिर्च सबके घर में होनी चाहिए, मलाई में हल्दी मिला के बहुत सारी जगह लेपन करने से शरीर स्वच्छ रहता है, शुद्ध रहता है, ये सबको पता है, लेकिन करता कौन है? काली मिर्च रोज डालने से आपको पित्त की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती, इतनी सी काली मिर्च रोज डाल लो, है ना। भुना जीरा और काली मिर्च हम नहीं खाते थे, अब खाते नहीं खाते, पहले लड्डुओं में काली मिर्च होती थी, अब कितना लड्डुओं में काली मिर्च होती है, उल्टा जो काली मिर्च का लड्डू है उसी को हम फेंकते हैं सबसे पहले। अब काली मिर्च, बेसन, ठीक है, और देसी घी, ये क्या करता है आपको पता है? ये शरीर के सारे एलर्जिक पॉइंट को खराब खत्म कर देता है, सारी एलर्जी, हर प्रकार की एलर्जी को खत्म करता है ना। मेरे को एक बात याद है कि एक लड़के का पूरा शरीर दानों से भरा रहता है, किससे? दानों से भरा रहता है। एक दिन वो एक दुकड़िया में बैठा हुआ था, उसमें कई बूढ़े बैठे हुए थे, एक बूढ़े आदमी ने विचार दिया, ठीक है, तो उसने कहा दादा मुझे तो पूरे शरीर में खुजली रहती है, बोटा बेटा दिखा किस तरह की रहती है, बोला इस तरह की। तब वो कुछ थोड़ा बहुत जानता भी होगा, उसने बताया तू 40 दिन खाली पेट आधा लड्डू खाना है तूने बेसन का, और उसमें काली मिर्च और घी होना। मुझे आज तक याद है कि एक बार मैं छोटा था और हमारे गांव से डॉक्टरों की दूरी 12 किलोमीटर से कम नहीं थी,
किसी भी डॉक्टर की दूरी। तो मेरे को ततैये के छत्ते में से बहुत सारे ततैयों ने काट लिया। तब मेरे पिता ने कम से कम 50 ग्राम काली मिर्च पड़ोसियों से और अपने घर से लेके चबुआ के मुझसे और घी पिला दिया मुझे 50-100 ग्राम। आपको पता है मुझे सोजन तक नहीं आई। मैंने वो अपने ज़िंदगी का पहला करिश्मा देखा और देव का करिश्मा ये देखा कि मेरी त्वचा पे सफ़ेद 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 यहाँ पे गले में और ये सीप से हो गए। तब मेरी मम्मी ने कहा बेटे सती माता पे गुड़ और चून उड़ाया, चून डाला और गुड़ डाला और मैं डाल के आया और बोली एक झाड़ू चढ़ाइए। मैं चढ़ा के आया, मैं आज चढ़ा के आया, अगले दिन में सारे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। ये मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला चमत्कार देखा था। इसको क्या कहोगे आप? ठीक है, हम कैसे अपनी पुरानी उन मान्यताओं को खो बैठे हैं। एक सबसे पुरानी मान्यता हमारी यज्ञ है, ठीक है, यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभो। इस समूचे विश्व ब्रह्मांड की एक ही नाभि है, वो है यज्ञ। उस यज्ञ में अग्नि देवता, ठीक है, जिसके अग्नि देवता के दो मुख है, मेरे ख्याल से चार जिह्वे है ना, इतने सींग है, ऐसे सात पैर हैं, चार हाथ हैं या तीन हाथ है, इस तरह से अग्नि देवता का स्वरूप है, मैं तो भूल जाता हूँ। वो तब वो आपकी आहुति को लेके देवताओं को सौंपते। अब आपने इस यज्ञ की एक वीडियो देखी हो तो इस यज्ञ के चारों तरफ करोड़ों की संख्या में ओप्स ऐसे घूम रही है और धुआं भी उठ रहा है, इसलिए उस धुएं को ओप्स यानी कि ऊर्जा पीती है। वो ऊर्जा जितनी सशक्त होती है उस एरिए का वातावरण उतना ही सशक्त हो जाता है और वहाँ पर रहने वाले लोग उतनी ही बीमारियों को खोके वहाँ से जाते हैं। तो सब चीज़ों का एक ही विधान है, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाओ, अच्छी ऊर्जाओं में कन्वर्ट करो और अपने दोषों को निकाल फेंको। यही काम महात्मा गण करते थे। तब महाराज जी के पास एक चेला आता है और वो कहता है गुरु जी आपने मेरे बच्चे को कंबल वाले बाबा के पास आपने मेरे बच्चे को ठीक करना है। वो कहते हैं बच्चे को बुखार चढ़ा हुआ था। वो कहते हैं भाई तू मेरे पीछे मत पड़, डॉक्टर को दिखा ले। वो कहता है नहीं आपसे ही मैं कह रहा हूँ। तो बोला कल कुछ चावल दही ले आना और चीनी ले आना। वो चावल दही चीनी ले गया, सवेरे सवेरे बच्चे को खिला के और उसको बोला जा अब नहाया वहाँ ठंडे तालाब में, और वो ठंडे पानी में नहा के आया तो अब देखिए उसका बुखार गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया। उसको कैसे पता अब भाई ये ऐसे नहाएगा और इसका ये सब कुछ चला जाएगा? जबकि अगर किसी डॉक्टर को बता दिया जाए ये बात कि बुखार में उस महात्मा ने ऐसा काम करा दिया तो वो डॉक्टर क्या कहेगा? ये तो पागल महाराज जी है, ये तो उल्टा बुखार चढ़ाएगा इसको। जबकि वो दुनिया के बड़े